बच्चों को स्वस्थ और बलवान बनाती है। स्वागत करना चाहेंगे दर्शकों अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इंटरनेट के जरिए आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और स्पेशल पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आईटी एक्सपर्ट नीरज गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, बहुत ही जानकारियां हमें आपसे प्राप्त होती है कि कैसे हम इंटरनेट के जरिए अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंटरनेट हमारे व्यापार की उन्नति में सहायक हो सकता है। तो आज हम आपसे बात करना चाहेंगे डोमेन को लेकर, क्योंकि डोमेन से जुड़ी हम बातें आपसे जान रहे थे लेकिन कुछ जानकारियां अधूरी रह गई थी, तो उसी विषय पर आपसे जानकारियां प्राप्त करना चाहेंगे कि डोमेन को किस प्रकार से खरीदा जा सकता है। देखिए भावना जी, सबसे पहले तो मैं आपको जैसे पिछली दफा हमने बताया था कि हम ऑनलाइन जाकर अपना एक खास डोमेन नेम चूज कर सकते हैं, उसके लिए विशेष वेबसाइट्स होती है जहाँ से हम अपना डोमेन बुक कर सकते हैं। मुख्य तौर पर GoDaddy.com, HostGator.com और इस प्रकार की बहुत सारे बिग रॉक वगैरह बहुत सारी आपको वेबसाइट्स ऑनलाइन मिल जाएंगी। हर वेबसाइट पर एक डोमेन केवल एक ही बार रजिस्टर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक डोमेन अगर एक साइट पर नहीं मिल रहा तो वो दूसरी पर मिल जाएगा, वो किसी पर भी नहीं मिलेगा। हर रेट्स हर वेबसाइट के अलग अलग हो सकते हैं। आप उसके अंदर एक सर्च बार होता है, उसमें अपना डोमेन डालेंगे तो उस पर जो भी आपको ऑप्शन चाहिए .com, .in या .net जो भी ऑप्शन चाहिए आप उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना डोमेन सर्च करेंगे। अगर आपको आपका डोमेन मिल जाता है उसके बाद आप अपनी जानकारियां आपको एक फॉर्म में भरनी पड़ती हैं। वो हमेशा सही ही भरनी चाहिए क्योंकि वो आपकी डिटेल, आपके नेम सर्वर की जो डिटेल होती है, जो वॉइस के अंदर आपकी डिटेल प्राप्त होती है, वो डिटेल वहाँ पर जाती है। उसके बाद आपसे कुछ पैसे चार्ज करने को कहा जाता है। अक्सर डोमेन 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में मिल जाता है। GST लगा करके आजकल ये डोमेन 1100-1200 रुपये तक में पड़ जाता है। हर वेबसाइट का अलग अलग प्राइस होता है। डोमेन लेने के बाद आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। आपको अपने होस्टिंग अकाउंट का नेम सर्वर अपने डोमेन के अंदर अपडेट करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको आगे अपनी साइट कंटिन्यू कर सकते हैं। जी नीरज जी, आपने भी बताया कि .com या .in हम लगा सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति नहीं जानता होगा शायद कि .com और .in में क्या डिफरेंस है। भावना जी देखिए, .com का मतलब होता है कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है जी। आमतौर पर सबसे पहले लोगों की प्रायोरिटी होती है कि .com डोमेन ही चूज करें, लेकिन बाई चांस किसी कोई खास हमारा नाम है अगर हमें उसमें .com नहीं मिल पाता है तो उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन होता है कि हम इसको .in में भी सर्च कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है .in, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम .in प्रेफर कर सकते हैं, .in ले सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला आदमी .in नहीं लेगा, ऑस्ट्रेलिया में .au ही लिया जाएगा, या अगर US में है तो .uk, US, इंग्लैंड में .uk, हर कंट्री का एक अलग डोमेन इस प्रकार का होता है। तो .in इंडिया के लिए स्पेसिफाई किया गया है। क्या व्यापार के लेन देन में या व्यापार की बढ़ोतरी में भी .com और .in का कोई विशेष महत्व रहता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कोई सा भी डोमेन हो, अगर आपकी वेबसाइट, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के अंदर का कंटेंट क्या है। आपके व्यापार को केवल कंटेंट पर डिफाइन किया जा सकता है। मैंने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपको .in में भी मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको .org में भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स जितनी भी है .gov में आपको मिलेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि .com होने से आपका व्यापार बहुत बड़ा उन्नति प्राप्त करेगा। जी दर्शकों, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानते हैं कि किस तरह से आप IT के जरिए, इंटरनेट के जरिए अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नीरज जी, आपसे जानना चाहिए होस्टिंग के बारे में आपने बात करी, तो होस्टिंग क्या होता है और कैसे ये ली जा सकती है? देखिए जी, हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए 3 चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले चीज है हमारा डोमेन, दूसरी चीज है हमारी होस्टिंग, और तीसरी चीज है हमारा टेम्पलेट डिजाइन। होस्टिंग आप समझ सकते हैं जिस पर हमारी वेबसाइट का डेटाबेस डिपेंड करता है। हमारी वेबसाइट का जो टोटल हमारा जो जितना भी डाटा है वो हमारे सर्वर पे होता है। वो सर्वर अगर हम खुद अपने सर्वर लगा सकते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है अपना खुद का सर्वर लगाना, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज अपने सर्वर में से होस्टिंग किराए पर देते हैं। तो हम किसी भी बड़ी कंपनी से छोटा पार्ट उनके सर्वर का उधार किराए पर ले सकते हैं। जो किराए पर लिया जाता है उसको होस्टिंग बोला जाता है। उसका छोटा मोटा, जैसे अगर हम छोटी सी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अमूमन हमें स्टार्टअप पैकेज है तो उसे 2500 से 3000 में मिल जाता है। एक सीखने के तौर पे, नई वेबसाइट के तौर पे छोटी होस्टिंग लेने में कोई बुराई नहीं होती,
उसके बाद में हमारे पास बहुत सारे अंदर होस्टिंग भी आप देखेंगे, बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिस पर जाकर के हम बहुत अच्छी एक डायनामिक वेबसाइट अपनी तैयार कर सकते हैं। एक वेबसाइट लेने के लिए हमें होस्टिंग लेना कंपलसरी होता है। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हम बड़ी आसानी से और बहुत कम चार्ज में फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। आज अगर हम अपने होस्टिंग अकाउंट में चेक करते हैं तो आज की तारीख में वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट बहुत कम खर्चे पे और बिना किसी कोडिंग की जानकारी के, कम कोडिंग की जानकारी के भी हम उस पर तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जूमला और बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिस पर जाकर के हम अपनी अच्छी बहुत बढ़िया प्यारी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट होती है ये हमें SEO में भी हमारे सहायक होती है, SEO में भी हमारे काफी अच्छी सहायक होती है। जी, कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि इसको लेकर बहुत सा खर्चा आने वाला है, बहुत सा धन हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पे सबसे पहले तो हमारा डोमेन हो गया जो कि लगभग 1000 से 1200 रुपए में हमें पड़ जाता है। होस्टिंग हमारी 2000 से लेकर 4000 के बीच हमें होस्टिंग प्राप्त हो जाती है। ओपन सोर्स पे अगर हम साइट बना सकते हैं या हमारे को साइट बिल्डर सॉफ्टवेयर हमें होस्टिंग में मिल जाते हैं, उसके द्वारा अगर हम अपनी साइट बनाते हैं तो हम 5 से 6 हज़ार में एक अच्छी वेबसाइट अपनी खुद की तैयार कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर हम किसी सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स के साथ यही वेबसाइट तैयार करवाते हैं तो 10 से 12 हज़ार में हमें वेबसाइट प्राप्त हो जाती है। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे SEO क्या है? तो देखिए, SEO हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी एक वेबसाइट के लिए। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारी कंपनी का नाम है या जो हमारी कंपनी की सर्विसेज हैं, अगर कोई व्यक्ति गूगल पे सर्च करता है आई वांट टू बाय फला फला चीज, तो गूगल उसे फौरन हमारी कंपनी का लिंक दे देगा। ये हमारा जो प्रायोरिटी पे जो हमारे कीवर्ड्स होंगे वो गूगल की टॉप प्रायोरिटी में ऊपर या फर्स्ट पेज पे नहीं आ जाएंगे। जितने अच्छे गूगल हमारे लिंक्स देता है, जितने ऊपर हमारे लिंक्स देता है, उतनी अच्छी हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मानी जाती है। इसके अंदर SEO का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके कारण हमारी SEO की क्वालिटी और अच्छी हो सकती है। जी, अभी बात करें हमने SEO को लेकर, अब आपसे बात करना चाहेंगे SMO को लेकर। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। SMO का मतलब होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे हमारे डिस्कशन भी हुआ था, सोशल मीडिया आज बहुत तेजी के साथ फैल चुका है। आज इसको कोई रोक भी नहीं सकता जितना तेजी से फैल गया है। हम अपनी वेबसाइट्स का प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाए मुख्य रूप से फेसबुक, ट्विटर और आपका ये यूट्यूब और गूगल प्लस, ये 4 मुख्य सोशल मीडिया हमारे सामने मौजूद हैं जिन्हें अपने SMO के तौर पे, अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अपने लिंक्स को गूगल रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए हम एक फेसबुक पेज अपना क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना गूगल प्लस पेज क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इन चारों को लिंक अप करके हम अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का डोमेन हम इन चारों सोशल मीडिया में लिंक अप कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ी मेहनत नहीं होती, थोड़ा सा काम तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन इससे हमारी कंपनी के या हमारे प्रोडक्ट्स के, हमारी सर्विसेज के लिंक गूगल में बहुत अच्छी तरीके से और जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिंक्स काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। अगर यही सर्विसेज अगर हम किसी से लेते हैं, किराए पर करवाते हैं किसी से, तो ये सर्विसेज हमें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको GST के प्रावधानों और इंटरनेट से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अन्य जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।